इस लेसन में हम ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। और देखें, यहां मैंने आपके लिए ये बनाया है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, 3 W's लिखने होते हैं। ये क्या है, हु जो भी कंपनी का नाम है यहाँ लिखना है, वॉट ये क्या चीज है, ट्रायल बैलेंस है, वेन कब आपने बनाया, September 30th, 2018 को बनाया। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपके पास अकाउंट्स होते हैं, यानी एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, ड्रॉइंग है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये सारे अकाउंट आपने वर्टिकली लिखने होते हैं। और यहाँ पे देखें, दो कॉलम है, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। एक दफा यहाँ दोबारा आपको टी अकाउंट से बता देती हूँ कि लेफ्ट साइड टी अकाउंट की डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है आपकी। तो ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट है। देखिए ये लेफ्ट पे लिखा है, ये राइट पे लिखा है। तो लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीन आपके पास जो है, इसमें जो भी अकाउंट्स होंगे वो आपने क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। ये क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होते हैं। अगर आपने लाइबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू को डिक्रीज करना है तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिखना होगा। सिमिलरली बाकी क्या रह गए, हमारे पास एसेट्स रह गया, ड्राइंग रह गया और एक्सपेंसेस रह गए। तो एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। इसका क्या मीनिंग है, मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, कि ये डेबिट साइड पे इंक्रीज होते हैं। अगर आपके ये डिक्रीज आपने करने हैं तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। बस ये याद रखें कि एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखते हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, ये यहाँ इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज ये डेबिट पे होंगे और ये डिक्रीज क्रेडिट पे होंगे। तो ये देखें, ये मैंने रेड में और ब्लू में इसलिए लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना कि आप आधा जो है वो डिफरेंट कलर में लिख रहे हैं। इसमें मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपने सब लिखने होते हैं। आखिर में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस आपकी एक्यूरेसी को प्रूव करता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं। ये 100% ये श्योरिटी नहीं देता कि आपने सारे ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड किए हैं, राइट? अगर गलत भी हो जाती हैं तो समटाइम्स ये फिर भी इक्वल हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल ये याद रखें कि जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं वो सब आपने ट्रायल बैलेंस में लिखने होते हैं, और एट द एंड डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अब हमने इस ट्रायल बैलेंस की मदद से, हमें इस इनकम स्टेटमेंट हम इसमें से सेपरेट बनाएंगे और हम अपनी रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट को इसमें से सेपरेट करेंगे। तो ये आइटम्स हमने बैलेंस शीट में यूज करने हैं, ये आइटम्स हमने इनकम स्टेटमेंट में यूज करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दफा बता दूं, ड्रॉइंग हमारी 4000 है, ये याद रहे क्योंकि ये एक्विटी सेक्शन में यूज होगी। और ये 78,000 हमारा कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने 78,000 लगाए थे, राइट? और ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द बिजनेस ओनर ने 4000 विदड्रॉ कर लिए थे। इसको कहाँ यूज करेंगे, ओनर्स एक्विटी सेक्शन में। बैलेंस शीट की मैं आपको बताती हूँ, राइट? लेकिन यहां तक आपने क्या सीखा कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, यही अकाउंट होते हैं बस आपके पास, ये आपने सारे लिखने होते हैं। अब हम पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ये अकाउंट लेके जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सिर्फ ये आता है, एक आता है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू आपका ज्यादा है एक्सपेंसेस से, ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो आपको प्रॉफिट होता है। और अगर आपका रेवेन्यू लेस है एक्सपेंसेस से, यानी आपके एक्सपेंसेस, आपका खर्चा ज्यादा है, आपकी अर्निंग कम है, तो आपको लॉस होता है, राइट? तो कौन कौन से अकाउंट हमने लेके जाने हैं, रेवेन्यू के और एक्सपेंसेस के। योगा रेवेन्यू, रेंटल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, और आप देखें ये क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो देखें वही मैंने जो भी आपको बताया कि ये हमारा रेवेन्यू हो गया। दो कॉलम बनाने हैं आपने, दो अकाउंट हमारे पास रेवेन्यू के हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी सिर्फ एक होगा लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने सब कट यहाँ पर लिख के टोटल करना है एक लाइन लगा के, और यहाँ टोटल हमने रेवेन्यू यहाँ लिखा।
फिर एक्सपेंसेस लिख के ये सारे एक्सपेंसेस लिखे, इसका टोटल यहाँ लिखा सेकंड कॉलम में। अब रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो देखिए हमारा रेवेन्यू ज्यादा था, एक्सपेंसेस कम थे, हमें ये प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम हुआ है, राइट। उसी में से ट्रायल बैलेंस का जो नीचे वाला पार्ट था, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आखिर में लिखते हैं, राइट, सीक्वेंस में लिखते हैं। एकदम मैं दोबारा बता दूं, ये सारे अकाउंट सीक्वेंस में लिखते हैं, आगे पीछे नहीं लिखते कि रेवेन्यू यहाँ लिख दिया, एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिया, कैश, ये पहले एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज, फिर कैपिटल, ये आपने इसी तरह ड्रॉइंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सबसे आखिर में लिखते हैं। अब हमारे पास आ गया है, देखें ये 20,000 हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, इसको याद रखें, अभी हम इसको यूज करेंगे, राइट, इसमें बैलेंस शीट पे। अब ये रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट है जो हम लास्ट लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले 3 W's लिखे आपने, ये वही अकाउंट है जो ट्रायल बैलेंस में थे। इसमें देखें रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट में आपने 3 कॉलम बनाने होते हैं, सबका टोटल आपने जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, जो भी बैलेंस था सॉरी टोटल एसेट्स आपने जो भी आए वो हमने यहाँ लिख दिए, फिर लाइबिलिटीज यहाँ लिखी, इनको ऐड किया, टोटल लाइबिलिटीज यहाँ लिख दी, और यहाँ से शुरू होता है ओनर्स इक्विटी का। कैपिटल 78,000 था, मैंने आपको बताया था, ये देखें इनकम स्टेटमेंट से जितनी हमें इन लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है तो आपने यहाँ लिख दिया कि ये फाइल्स का हमें एड नेट इनकम फॉर अक्टूबर। ये दो चीजें आपने फर्स्ट कॉलम में लिखनी होती हैं, जो आपको इनकम हो या लॉस हो जो भी, और ड्रॉइंग याद रहे फर्स्ट कॉलम में आपने ये दो चीजें लिखनी है। अब हमने 20,000 हमें प्रॉफिट हुआ था इनकम स्टेटमेंट में से, लेस एक दफा देख लें अगर आप भूल गए कि मैंने कहां से लिखा, ये 20,000 था, ये आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, ये आपने खुद फाइंड आउट करना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। और ओनर ने इसमें से 4,000 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कितने रह गए, 16,000 रह गए, 20 माइनस ड्रॉइंग आपने की, ड्रॉइंग हमें बैलेंस शीट में दी हुई थी 16,000, तो ये इंक्रीज इन कैपिटल हो गया। कैपिटल कितना स्टार्ट किया था, 78 से स्टार्ट किया था, 16 और हो गया तो टोटल कैपिटल अब 94 हो गया। ये लाइबिलिटीज हैं, ये हमारे पास कैपिटल है, इन दोनों को ऐड किया तो देखिए ये एसेट्स के इक्वल आ गया, ये रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बन गई। कहाँ से बनी थी, ये हमारी ट्रायल बैलेंस से बनी थी, ये सारे अकाउंट हमने यूज किए बैलेंस शीट बनाने के लिए, ब्लू वाला पोर्शन हमने यूज किया इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो हमें नेट और प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमने ड्रॉइंग में प्लस या माइनस करना होता है, और फिर ओनर्स इक्विटी में सॉरी जो इनिशियल कैपिटल था उसमें आप ऐड कर देंगे, तो इस तरह आपको ये बन जाएगा। अब मैंने ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखी है, यही है ट्रायल बैलेंस है, देखें इसमें बैलेंस शीट के भी अकाउंट है सारे और इनकम स्टेटमेंट के भी, और सारे मैंने ब्लैक में लिख दिए हैं, मैंने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि आपने, अब आपने इसमें से खुद पिक करने हैं कि कौन सा रेवेन्यू है कौन सा एक्सपेंस है, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। याद रहे कि पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है इसलिए कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस जो भी अमाउंट होती है वो हमने ओनर्स इक्विटी में ऐड करनी होती है। तो अब देखें यहाँ से थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, चले आपको ये आपके पास रेवेन्यू हो जाएगा, एक रेवेन्यू अकाउंट है इसमें, 3 आपके पास ये एक्सपेंसेस हैं, इसमें से आपने ये माइनस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, और ये अकाउंट बाकी आपने यूज करने हैं रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बनाने के लिए, राइट, ओके। जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसमें से आपने ये ड्रॉइंग को माइनस करना होगा, और कैपिटल में ये आपका कैपिटल है इसमें आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपके पास ज्यादा इंक्रीज इन कैपिटल है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज इन कैपिटल होगा तो आपने इसमें से माइनस करना है। ये एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें कैपिटल बैलेंस जून 1st यानी आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है 47,000 से, नेट लॉस हो गया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हो गया 4,000, और ओनर ने इसमें से 7,100 ड्रॉइंग भी निकाल ली, तो क्या है कि आपने एंडिंग कैपिटल मालूम करना है, इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे, एंडिंग कैपिटल इसमें से मालूम कर लें। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपने मालूम करना है, नेट इनकम इतनी हो गई, ड्रॉइंग उसने 5,000 निकाल लिया, आखिर में कैपिटल इतना रह गया, तो शुरू में कितना कैपिटल था, थोड़ा सा आप सोचेंगे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।